तुझे बताऊं अपनी युक्ति, तुझे बताऊं अपनी युक्ति, ध्यान लगा कर सुनियो युक्ति, ध्यान लगा कर सुनियो युक्ति, जब तू अगली एकादशी आवे, जब तू अगली एकादशी, कैसे पक्के चोर है, खुद तो चोर है, इसे भी चोरी करना सिखा दे, बता रहे हैं क्या करियो तू सुन, जब तू अगली एकादशी आवे, जब तू अगली एकादशी आवे, अब ऐसा कौन करे भैया, आज के जमाने में भी कोई ऐसी बात करे तो उसे क्या कहेंगे, रंगीला ही कहेंगे, इसलिए जब तू अगली एकादशी आवे, मंदिर पीछे उसे लगाइयो, बस तेरा इतना ही काम है, बाकी तू मेरे पे छोड़ दे, और फिर तू बैठ के कीर्तन गईयो, कष्ट न दूंगा, तुझको तनिक भी कष्ट न दूंगा, ऐसा रंगीला रंगीला मेरा रंग छोड़ाएगी, रंगीला रंगीला मेरा रंग छोड़ाएगी, रंगीला रंग छोड़ती, अरे भगत को जैसी रीत बताई, उसने वैसी ही प्रीत निभाई, उसने वैसी प्रीत निभाई, जब शयन हो गया मंदिर माही, द्वारकाधीश जी के मंदिर में एकादशी में रात्रि संकीर्तन हुआ करता था, शयन आरती हुई, भगवान को शयन करा दिया गया, पट बंद हो गए, और द्वारिका जी के मंदिर, द्वारकाधीश के मंदिर में जब शयन होता है द्वारकाधीश का, तो बकायदा सील लगती है, सरकारी सरकारी दफ्तर से लोग आते हैं, भगवान को शयन हो जाता है, पट बंद होते हैं, फिर दरवाजे में बकायदा ताले पे सरकारी सील लगती है, और फिर सुबह मंगला में वो सील सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं उनकी उनकी प्रेजेंस में ही फिर मंगला आरती के लिए पट खोलते हैं, तो इतनी तो चौकसी है, कभी जब शयन हो गया, जब शयन हो गया मंदिर माही, शयन हो गया मंदिर माही, तब हाक लगा प्रभु पीछे बुलाई, फूल झरोखा हाथ बढ़ाया, भगवान ने एक झरोखा खोला, मंदिर के गर्भगृह में एक छोटा सा झरोखा था, भगवान ने उसे खोला, और ये कोई कपोल बातें नहीं, ये लीला है रंग छोड़ रहे जी की, कभी जाओ द्वारिका रंग छोड़, और डाकोर तो बताएंगे ये लीला है वहां, प्रभु ऐसे ही आए, ये मूर्तियां नहीं है, और प्रभु ने खोल झरो, आज भी तुमसे बात करेंगे, तुम करने वाले तो बनो, खोल झरो का हाथ बढ़ाया, खोल झरो का हाथ बढ़ाया, और विजय सिंह को हाथ थमाया, विजय सिंह को हाथ थमाया, और बैलगाड़ी पर कूदे ऐसे, हाथ बढ़ाया, वहां से विजय सिंह बड़ाना ने हाथ बढ़ाया, एक खींचा भगवान झरोके से, एक छलांग
लगा के बैलगाड़ी पर कूद रहे। एरी बैलगाड़ी पर कूदे ऐसे, ये पक्के चोर है ना बचपन के। एरी ब्रज में माखन चोरी जैसे, विनोद कर रहे हैं विजय सिंह के साथ, मैंने ब्रज में माखन चोरी ऐसे ही थोड़ी करी थी, वो तो मैं प्रैक्टिस सेशन में था, क्योंकि तेरे साथ भागना था ना, और वहां ना करता तो फिर तो आज तो फेल हो जाता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अब जमकर ऐसी चोरी करेंगे। बैलगाड़ी पर कूदे ऐसे, बैलगाड़ी डा बैठ गाड़ी डाकोर को जाते, बैठ गाड़ी डाकोर को जाते, और रस्ते भर प्रभु जी बतियाते, देख मैंने कैसी छलांग लगाई, देख मैंने कैसा देखा, अपनी खूब बातें कर रहे विजय सिंह मोड़ाने के साथ। विजय सिंह मोड़ाना थर थर कांप रहा, प्रभु क्या कर रहे हो। और जब हुई मंदिर में मंगला, तो मच गया धाम द्वारी का दंगला, सब पंडा निर्णय कर पायो, ये वो भगत ही चोरी कर धायो, सबको शंका हुई जरूर उसी का काम है, क्योंकि अब लो पैदल चल कर आयो, इसी बार गाड़ी भी लायो, इसी बार गाड़ी भी लायो, के लीला रंगीला रंग छोड़ दी, गजब गजब की लाली, लीला रंगीला रंग छोड़ दी, गजब गजब की लाली। वो जंगल मछिया प्रभु कहाँ गए, कहाँ गए, जरूर वही है कि क्या, वही चोर है, कितना भोला वाला लगता था, अरे भजन में ऐसे बैठता था, अरे भगवान वही लेके गया, वही बैलगाड़ी लाया था, उसका पीछा करो, देखो कहाँ जाता है, भागो उसके पीछे। अब पंडा घोड़ा ले भागे, अब पंडा घोड़ा ले भागे, ए पीछे पंडा गाड़ी, और प्रभु को मजाक सुन रहा, प्रभु क्या कह रहे हो, कह रहा प्रभु मर गए, अरे प्रभु कह रहे मर नहीं गए, तुम तर गए, वो कह रहा तरेंगे बाद में प्रभु, अभी मरेंगे। प्रभु कहे सब पंडा आए, प्रभु कहे सब पंडा आए, भगत जी गाड़ी तेज दौड़ाए, भगत जी गाड़ी तेज, देखो पीछे पढ़ने आने शुरू हो गए, तेज भगाओ, यूं तो मर ही जाओगे। पर भगत कहे प्रभु मैं डर पायो, भगत कहे प्रभु मैं डर पायो, मैंने पहले ही समझायो, मैंने पहले ही समझायो, आपको पता नहीं क्या क्या मस्ती सूझती है, अरे जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तक पैदल चल के आने में, तो आपको क्या परेशानी, अरे मुझे मरवाना था ऐसी बता देते, क्या कर दिया। मेरी आप न माने मेरी बतिया, आप न माने मेरी बतिया, अब मिल सब टूटे मेरी छति,
सब कुलेंगे और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि कौन है, कौन है ए रंगीला रंगीला मेरा रंग छोड़ना जी, रंगीला रंगीला मेरा रंग छोड़ना, रंगीला रंग छोड़ी अजब गजब की प्रभु ने कहा फालतू की बातें कर रहे हो, अरे इसे तेज भगाओ कोई छतियां नहीं कूटेंगे, चलो भगाओ फटाफट। प्रभु कहे तुम तेज भगाओ, प्रभु कहे तुम तेज भगाओ, ये भगत कहे अब क्या उड़ जाओ, भगत कहे अब क्या उड़ जाओ, प्रभु कहे तेज भगा, भगत जी कहे अब क्या उड़ जाओ, प्रभु कहे तुम तेज भगाओ, प्रभु कहे तुम तेज भगाओ, ये भगत कहे अब क्या उड़ जाओ, भगत कहे अब क्या उड़ जाओ, बैलों की तो गाड़ी जोड़ी, बैलों की तो गाड़ी जोड़ी, बैलों की तो गाड़ी जोड़ी, ये पुष्पक विमान ये होवे थोड़ी, पुष्पक विमान ये आपका कोई लंका से छूटने वाला पुष्पक विमान थोड़ी है कि वहां भरत जी इंतजार कर रहे भाग लिए तुम्हें एक मिनट में, ये तो मेरी बैलों की गाड़ी है, अब आप बचाओ मेरी लाजा, आप तो द्वारिका धाम के राजा, आप तो द्वारिका धाम के राजा, प्रभु की भक्त वत्सलता देखो, जिससे प्रेम करते हैं तो कैसा प्रेम करते हैं, या तो अर्जुन का रथ चलाया, नरसी की गाड़ी हाकी, आज विजय सिंह मोड़ाना की गाड़ी प्रभु खुद हाकने लगे, फिर प्रभु जी हाकन गाड़ी लागे, प्रभु जी हाकन गाड़ी लागे, और बैल तो फिर सरपट झट भागे, तो फिर सरपट झट बैल तो फिर सरपट झट भागे, अब तो जो ही प्रभु ने बैलों को हाँकना शुरू करा, बैल एक तीव्र गति से भागने शुरू हो गए, अब जो डाकोर की सीमा आई, तो द्वारिकाधीश को मस्ती छाई, अब जो ही डाकोर की सीमा आई द्वारिकाधीश जी को फिर मस्ती छा गई, क्योंकि अब तेज तेज बैल भगाए ना तो पंडे थोड़े से पीछे रह गए, अब मस्ती सूझ गई फिर से, जो ही सीमा आई डाकोर की तो सींजलज नाम का एक गांव पड़ता है डाकोर की सीमा में, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में, सीमलज नीम पेड़ एक आयो, सीमलज नीम वहां पे एक नीम का पेड़ पड़ा, आज भी वो नीम का पेड़ है सीमलज गांव में, सीमलज नीम पेड़ एक आयो, तो लट के डाली झूलन छायो, प्रभु ने तुरंत डाली पकड़ ली और लटक गए और वहीं झूलने लगे डाली पे, विजय सिंह मोड़ाना कहे प्रभु क्या कर रहे हो, जल्दी चलो आ गए देखो आ गए, और प्रभु झूल रहे हैं, वो सीमलज में नीम का पेड़ आज भी है, जिस डाली पे प्रभु झूले सिर्फ उसी के पत्ते मीठे हैं आज भी, बाकी पूरे वृक्ष में कड़वे पत्ते हैं, ध्यान से सुनना जब कभी जाओ तो जरूर दर्शन करना, खूब आनंद आएगा लीला सुनने के बाद,
आगे जाके मचले फिर से, आगे जाके मचले फिर से। अब थोड़ी सी आगे ज्यों त्यों चलाया, अरे प्रभु चलो, अरे नहीं झूलने दो, अरे चलो, अरे नहीं झूलने, अरे चलो ही चले थोड़े से आगे, फिर मस्ती सूझ गई। आगे जाके फिर मचलने लगे, बोले भोग लगाओ अब माखन से, देखो मुझे मंगला का समय हो गया, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खिलाओ, माखन खिलाओ। ऊपर मिश्री डलिया सजाना, ऊपर मिश्री डलिया सजाना, बदनी से सजलोना बनवाना, सजलोना यानी सद माखन, ताजा ताजा माखन बनवा के खिलाओ। वीर सिंह उड़ान ने कहा, अभी तो तुम पहुंचे नहीं, अभी से ही नखरे दिखा रहे हो। फिर माखन गंगा बाई लाई, कौन है गंगा बाई? विजय सिंह ओडाना की पत्नी। वो झटपट माखन लेके आई और प्रभु को प्रेम ते भोग लगाई। और यहाँ जिस गांव में प्रभु ने ये लीला करी, ये भी डाकोर में आज भी वो गांव है जहाँ प्रभु ये लीला करी है। उस गांव का नाम पड़ा माखनिया आरो, क्योंकि माखन आरोगा प्रभु ने, इसलिए उस गांव का नाम है माखनिया आरो। डाकोर में किसी से भी पूछो माखनिया आरो जाना है तो उस गांव का बता देंगे। जहाँ प्रभु ये लीला करी है, जहाँ प्रभु ये लीला करी है, माखनिया आरो ग्राम वही है, माखनिया आरो ग्राम वही है। और देखो पीछे पंडा आते थे, प्रभु जी भगत को यूं समझाते, प्रभु की मस्ती मस्ती में पंडा सब पहुंच गए, बहुत निकट पहुंच गए। तो विजय सिंह उड़ाना थर थर कांपने लगा, घबराने लगा, प्रभु मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो भगवान कहते हैं, तालाब गोमती मुझे छिपा दो, तालाब गोमती वही छोड़ राय जी का जहाँ मंदिर है, वो मंदिर तो पीछे बना, वो श्री विजय सिंह उड़ाना जी का घर था, वहीं बाहर एक गोमती तालाब है। तो भगवान ने कहा मुझे गोमती तालाब में छिपा दो, तालाब गोमती मुझे छिपा दो, मैं नहीं लाया उन्हें बता दो, उन्हें कहना मैं नहीं लाया। तो भक्त ने कहा प्रभु झूठ कैसे बोले, एकादशी वैसी अभी तो पारण भी नहीं करा, आप झूठ बोलवा रहे हो। तो प्रभु ने कहा झूठ कहा, तू कहा लाया, तू थोड़ी लाया, मैं तुझे लाया, तो झूठ कहां से हुआ। तालाब गोमती मुझे छिपा दो, मैं नहीं लाया उन्हें बता दो, पोड़ा ना बहु विधि समझाया, फिर अपना रूप तालाब छिपाया, लीला रण छोड़ की अजब गजब की निराई। इतने में सब पंडा आ गए, देखी बोड़ाना मारन लागे, करे तलाशी झटका बटका, आए बोड़ाना जी को खूब मारा, कहाँ है हमारे प्रभु, बता बता। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, नहीं पता, खूब मारा, खूब पीटा। किसी ने कहा इसकी तलाशी करो, इसकी बैलगाड़ी की तलाशी करो, और प्रभु को भी खूब मजा आता है, बहुत कर ले। करे तलाशी झटका बटका और मिल गया बैलगाड़ी से प्रभु का पटका, प्रभु का पटका बैलगाड़ी में मिल गया। क्यों मिल गया, क्या जरूरत थी बैलगाड़ी में अपना पटका छोड़ने की, क्योंकि ये कौन है, ये रंगीले है, इसलिए। अब मार मार कर कर दिया ऐसे, लहू लहान मृतक के जैसे, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा बोड़ाना जी को, अंग अंग से खून की धाराएं चलने लगी। और जितना प्रभु, जितना
सब पंडे मिलके बुढ़ाना जी को मारते हैं। जितनी चोट बुढ़ाना जी को लगती है उतनी चोट तालाब में छुपे श्री रणछोड़ राय जी के विग्रह में लगती है। तब तब प्रभु तालाब से प्रगटे, पर देख नाथ सबके मन खटके। जो ही प्रभु को देखा सब आश्चर्य, ये हमारे प्रभु यही है, हमने सही कहा था। लेकिन जो देखा प्रभु के अंग अंग से रक्त बह रहा है, पूरा गोमती तालाब का जल लहू लुहान हो गया, इतना रक्त वहां प्रभु के श्री अंग से, प्रभु के अंदर अंग के है रयो रक्त रिसाव। जो जो भक्त को मारते त्यों तो प्रभु को होते घाव, क्योंकि लीला रंग छोड़ की अजब गजब की निराली। लाल भयो तालाब को पानी, चौक गए सब सुन प्रभु वाणी। ये नहीं चोरी करके आया मैं, स्वेच्छा से हूँ आया, मुझे भगत का प्रेम है भाया। ये मुझको मैं इसको पाया, ये मुझको मैं इसको पाया, इसने मुझे पाया है और मैंने इसे पाया है। तुम मुझे नहीं मुझसे हो चाहते, तुम लोग मुझे नहीं मुझसे चाहते हो, क्योंकि चढ़ावा आता है ना उससे तुम्हारी जीविका चलती है। तुमने मुझसे प्रेम ही कब करा, तुम मुझे नहीं मुझसे हो चाहते, प्रबल प्रेम पे हम बिक जाते। लीला रंगीला रन छोड़ की अजब गजब की निराली। बोड़ाना जी से माफी पाई, तब प्रभु को सब व्यथा सुनाई। सब पंडा ने बोड़ाना जी से माफी मांगी, पर प्रभु को कहा प्रभु हमारी भी तो लाज रखो। प्रभु बोले अब यही रहूंगा, विजय सिंह का प्रेम गहूंगा। सब पंडा व्याकुल हो कहते, अब तुम बिन हम कैसे रहते। प्रभु तुम बिन है सुनी द्वारिका, पर अब अपने मतलब की बात कही। आप ही से है हमारी जीविका, प्रभु बोले मुस्काएंगे अब तुम वापिस जाओ। छह महीने बाद मैं फिर से मुझको पाओ। भगवान ने कहा अब तुम वापस जाओ, अब से तो मैं यही रहूंगा। तो सब पंडों ने कहा प्रभु हम कैसे रहेंगे, हमारी द्वारिका में आपसे ही तो जीविका चलती है। तो भगवान ने कहा तुम वापस जाओ, छह महीने बाद फिर से अपने दिव्य स्वरूप में मैं आप सबको प्राप्त होऊंगा। ग्राम लाल निकट ही बरधनी बावली माए। द्वारिका के निकट एक लाडवा नाम का ग्राम है, जिसमें वरधनी बावली नाम का एक कुआ है। तो भगवान ने कहा ग्राम लाडवा निकट ही वरधनी बावली माए, द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप ते फिर प्रगटूंगा। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, चार भुजानाथ के स्वरूप से फिर से आप सबको उस वरधनी बावली में लाड़वा गांव के निकट उस कुएं से छह महीने बाद आप सबको प्राप्त होगा। छह महीने तक आप सब लोग मेरी प्रतीक्षा करो और वापस जाओ। पंडे बोले प्रभु जी ऐसे बोले, आपने छह महीने कह दिया, छह महीने का राशन तो देगा। पंडे बोले प्रभु जी ऐसे छह महीने कटेंगे कैसे, हम तो आपकी झूठन पाते। थोड़ा सा मर्यादा रख दिया पंडों ने, झूठन कहेंगे, सीधा सीधा नहीं कहा कि आपका चढ़ावा। हम तो आपकी झूठन पाते, मंदिर से ही जीविका चलाते। तब प्रभु बोड़ाना से बोले, मुझको आप स्वर्ण में तोले। बोड़ाना जी ने कहा यहाँ तो ऐसे ही थोड़ी एकादशी रख रहे हैं प्रभु,
या कुछ है जिंदगी तुम कह रहे हो स्वर्ण में तोले कहां से सोना लाऊं। तब प्रभु बोड़ा ना से बोले मुझको आप स्वर्ण में तोले। लेकिन भक्त का भाव ये भक्त की भक्ति का परिचय है और भक्त की पत्नी का परिचय है। कितनी दिव्य भक्ति है देखो। इनके पास कुछ नहीं था खाने के लिए भी, लेकिन पत्नी के पास एकमात्र सुहाग की निशानी जो कभी पत्नी अपनी मृत्यु शैया पे भी नहीं उतारती। अंतिम संस्कार होने के बाद जब जल राख हो जाती है तब ही वो उसके अंग से अलग होती है। कर्ण वो नाक का मोती सुहाग का परिचय। तब प्रभु बोड़ाना से बोले मुझको आप स्वर्ण में तोले। गंगा बाई सुन प्रभु वाणी मन ही मन अतिशय सकुचानी। अति निर्धन दंपति और नहीं कुछ पास, एक ही चिन्ह सुहाग का नाक की नथनी पास। कहा मेरा सुहाग तो वो कृष्ण है। अगर कृष्ण का प्रेम इस जीवन में है तो सुहाग है, वरना इस हार्ड मास के शरीर के सुहाग का क्या मनोहार। ऐसा दिव्य प्रेम उनका गंगा बाई का। अति निर्धन दौ दंपति और नहीं कुछ पास, एक ही चिन्ह सुहाग का नाक की नथनी पास। एक नथनी एक तुलसी दल जो ही तुला धराए। गंगा बाई ने अपनी नाक का सुहाग का चिन्ह उतार के तुला पे रखा, एक और सिद्वार का अधीश जी को बैठाया और एक नथनी और एक तुलसी दल बधाया। जो ही कितना होगा, कितने गरीब जरा सा पत्ते बराबर होगा। एक नथनी एक तुलसी दल जो ही तुला पधराए, रण छोड़ राय प्रभु तुल गए सब जय जयकार मनाए। रण छोड़ राय की जय, रण छोड़ राय की जय, रण छोड़ राय की जय। पर विक्रमी संवत 1212 कार्तिक पूर्णिमा दिन था प्यारा, कार्तिक पूर्णिमा दिन था प्यारा। ये बात है विक्रमी संवत 1212 की। अरमीरा जी का भाई 1500 यानी पहले हो गया है। 1212 में कार्तिक पूर्णिमा प्रभु किस दिन कूदे, एकादशी की रात्रि को चले, फिर कुछ दिन यहां तक आने में लगे, फिर ये सब लीला हुई। और अब सब पंडों ने सोचा बहुत धन मिलेगा, लेकिन एक तुलसी दल और नाक के मोती पे प्रभु तुल गए। वो सब लेके प्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो, ये दिखने में छोटा है लेकिन एक भक्ति से परिपूर्ण एक भक्त की निशानी है, इससे तुम्हें कभी अभाव नहीं होगा। दिन प्रतिदिन तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी इससे जो है अपनी जीविका चलाओगे, खूब इससे धन अर्जन होगा तुम्हारा। तो सब पढ़ने चले गए। अब दिव्य भाव से पति पत्नी दोनों भुजा में भर के श्री रणछोड़ राय जी को अपने कक्ष में अपने निज गृह में लेके आए हैं और पधरावनी हुई है। ये बात है विक्रमी संवत 1212। कार्तिक पूर्णिमा दिन था प्यारा, कार्तिक पूर्णिमा दिन था प्यारा। तब से प्रभु जी यहीं विराजे, तब से प्रभु वहीं विराजते हैं डाकोर में। तब से भगवान कभी दोबारा द्वारिका नहीं गए। तब से प्रभु जी यहीं विराजे आज तक वही है, लार चाव से यहीं पे साजे, लार चाव से यहीं पे साजे।
रंगीले अब पता लगा एक तरह रंगीले हैं। उसे पिटवा भी दिया, छिटवा भी दिया, उसकी भक्ति का परिचय भी दे दिया और खुद यहाँ बस भी गए। ऐसे रंगीले ठाकुर हैं, ऐसे ठाकुर हैं ये रंगीले। छोड़ रहा है की लीला न्यारी, कृष्ण दास या पे जावे बलिहारी, कृष्ण दास चरण कमल बलिहारी, लीला रंगीला रंग जी ने दिव्य लीला रण छोड़ रहा है जी की सुनाई, लीला रण छोड़ जी की सुनाई, और मीरा मन ही मन हर्षाई, और सुनते सुनते पहुंच गए डाकोर, पहुंच के अनुपम दर्शन पाई, दर्श किए उल्लास से और रूप लखी सुख पाए, प्रेम ते श्रीरण छोड़ की सब जय जयकार दर्शन कर श्री मीरा जी। आज मीरा जी ने जब पहुंची हैं रणछोड़ राय जी के दर्शन करे हैं, तब दूधा जी ने कहा, मीरा क्या अपने रणछोड़ राय को कुछ सुनाओगी नहीं? तो आज तक मीरा दूधा जी का बताया हुआ कीर्तन को दोहराया करती थी, लेकिन आज प्रथम बार पहला पद मीरा जी ने जो अपना स्वरचित पद मीरा जी ने रणछोड़ राय जी को सुनाया है। 4 वर्ष की मीरा जी और दर्शन कर श्री मीरा जी पहला पद गाई जी, हे अद्भुत पावन चरित महान भक्तिमती मीरा बाई जी, मीरा जी ने अपना पहला पद श्री रणछोड़ राय जी को सुनाया है।
कल उस पल को गाएंगे। पल है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। जय हो बल मीरा भाई की, मेरा छोड़ ना लेगी रसना गायो दुष्टनी दोष विचार मृत्यु को उद्यम की हो, दुष्टनी दोष विचार मृत्यु को उद्यम की मारना भाका भयो निशान बजाए के बोलो, निशान बजाए के काहू से नाहीं लगी, काहू से नाहीं लगी लोक लाज कुल श्रृंखला तजनी रागिर धर भरी, लोक लाज कुल श्री मीरा भाई की जय, छोड़ राय की जय, छोड़ राय की जय, छोड़ राय की जय, मीरा जी के मंगल प्राकट्य की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। ताई गौर हरि, ताई गौर।